हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एडिशन बाय फॉरवर्ड काउंटिंग। इससे पहले हमने नंबर लाइन का यूज करना सीखा था। अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड काउंटिंग के थ्रू कैसे एडिशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ये सीखेंगे। सो मैंने यहाँ एक बॉक्स बनाया है, उसमें 0 से लेकर 10 तक मैंने सारी डिजिट्स लिख दी हैं। ओके, और यहाँ पर एक सम लिया है मैंने, 4 प्लस 6। ओके, इसमें कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके, 4 तक जाएंगे, उसके बाद हम 1 बाय 1 6 डिजिट काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। इसी तरीके से 3 प्लस 6, सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाएंगे। ओके, फिर हम 1 बाय 1 6 डिजिट और काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा 9। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, 3 प्लस 2। सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करके 3 पे जाएंगे। ओके, फिर 1 बाय 1 2 डिजिट और काउंट करेंगे, यानी कि 4 1 2 5 पे पहुंच जाएंगे। ओके, 3 से स्टार्ट किया, 0 से 3 पे गए, फिर 3 से हमने 1 बाय 1 2 डिजिट और काउंट की, यानी कि 3 से देखिए 1 2। सो हमारा आंसर हो जाएगा 5। ये भी बहुत सिंपल है। नंबर लाइन में हमने ये किया था कि जिस डिजिट से ऐड करना होता था वही उसी डिजिट से लेकर के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन फॉरवर्ड काउंटिंग में ये होता है कि 0 से स्टार्ट करके हम सबसे पहले जिस डिजिट को ऐड करना है वहां तक जाएंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हम उसको काउंट करते हैं, और इस तरीके से फॉरवर्ड काउंटिंग के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।